हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनरल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम यहाँ पर क्लियर कर लें, उसके बाद में आने वाले टॉपिक्स को हम आगने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, हमें क्या करना है कि हमें जनरल प्रॉपर तैयार करना है जो हमें ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि प्रोप्राइटर परचेज फर्नीचर फ्रॉम संजू ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है ₹30,000 में क्रेडिट में संजू से। ठीक है, चलते हैं अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें जनरल प्रॉपर का एक फॉर्मेट तैयार करना होगा जिसमें कौन कौन से कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन LF, देन डेबिट अमाउंट का एक कॉलम, देन क्रेडिट अमाउंट का एक कॉलम। ठीक है, इस तरह से जनरल प्रॉपर के फॉर्मेट में 5 कॉलम होंगे जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बना दिया है। तो अब चलते हैं सीधा इस कॉलम इस फॉर्मेट में हमारे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की तरफ। क्या रिकॉर्ड करना है हमें, वो जो ट्रांजेक्शन दिया है कि फर्नीचर परचेज किया गया संजू से, उसे हमें इस जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, सही आ रहा है। तो कौन से रूल लगेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, ये कौन से अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर जो है वो असेट है, तो रियल अकाउंट असेट और थिंग से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। तो हमने फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ₹30,000 से। इसके बाद में टू संजूज अकाउंट 30,000, संजू अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। तो यहाँ पे संजू क्या हो गया, हमें देने वाला हो गया, तो उसको क्रेडिट कर दिया 30,000 से। यहाँ पे हमने डेट फिल कर दी। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश ₹5,000। राजीव को माल बेचा गया है ₹5,000 का। ठीक है, तो राजीव को ₹5,000 का माल बेचा गया है। अगर हम बेचेंगे कोई सामान को कैश में तो हमारे पास कैश आएगा, राइट। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास से कुछ जा भी रहा है जो क्या है, वो है गुड्स है। तो गुड्स जब जाएगा तो ऐसा तो लिखने वाले रहे हम कि टू गुड्स अकाउंट, नहीं। जब भी गुड्स को सेल किया जाता है उसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल अकाउंट करके ₹5,000 क्रेडिट कर दिए। इस तरह से मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है ₹5,000 से और सेल अकाउंट को डेबिट किया है ₹5,000 से, और डेट मैंने यहाँ पे फिल कर दी है नवंबर 5। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कुरनेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹45,000 डिस्काउंट 10%। हमने कुरनेश एंड कंपनी से सामान खरीदा है ₹45,000 का। ठीक है, और उस पर हमें 10% डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, कुरनेश एंड कंपनी से हमने सामान खरीदा तो हमारे पास बिजनेस में कुछ आ रहा है, तो कुछ आएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगा रहा है। क्या लगाना है कि परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 की, 45,000 का सामान हमारे बिजनेस में आया है। ओके, इसके बाद में सामान को हमने क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो कैश तो हमसे जाएगा नहीं, तो कुरनेश एंड कंपनी क्या होगी, हमारे को देने वाली गिवर। तो गिवर के अंदर जो गिवर होता है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। तो पर्सनल अकाउंटेड का रूल क्या है कि डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। तो यहाँ पे टू कुरनेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 40,500 से। इसके बाद में यहाँ पर एक आगे लिखा होता है 10% डिस्काउंट भी मिला है। तो जब हमें 10% डिस्काउंट मिला है तो हमारा क्या हो गई, इनकम हो गई, राइट। जब हमारी इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिटेड। तो हमने टू डिस्काउंट अकाउंट लगा के यहाँ पे 44,500 से उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन। अब चलते हैं चौथे ट्रांजेक्शन की तरफ। चौथा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि भाई
कैश रिसीव्ड हुआ है विजय से 35,000, मतलब विजय ने हमें कैश दिया है 35,000 रुपये। ये तो बहुत ही इजी एंट्री है। क्या करना है कि कैश आ रहा है तो बिजनेस में कुछ आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 35,000 रुपीज़ से। इसके बाद में किससे मिल रहा है हमें वो कैश, विजय से मिल रहा है। विजय हमारा कोई डेटर होगा जिसे हमने पास्ट में कोई सामान बेचा होगा और उससे आज हमें ये चुकाया है, तो उससे हमें कैश मिला है। तो कैश को तो बिजनेस में आया तो उसे डेबिट कर दिया। अब विजय ने हमें कैश दिया है तो हमें क्या हो गया, गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। तो टू विजय अकाउंट करके उसे क्रेडिट कर दिया 35,000 से। ओके, ये भी जो ट्रांजेक्शन वो क्लियर हुआ, यहाँ पे हमने डेट फिल कर ही दी है। अब चलते हैं हमारे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, वेजेस पेड ऑफ रुपीज 4,000, मतलब 4,000 का मजदूरी दे दी गई है। तो जब हमने मजदूरी दी है तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है भाई, एक्सपेंसेस होता है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जब भी कोई एक्सपेंसेस होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस को डेबिट कर दिया 4,000 रुपीज़ से। इसके बाद में हमारे पास से कुछ जाएगा भी तो क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। कैश जब जाएगा तो वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ बिजनेस से जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट से इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 4,000 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ पे डेट भर दी है। अब चलते हैं हमारे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड रुपीज़ 3,000, रेंट पेड किया गया 3,000 रुपये का। देखिए, रेंट हमने पेड किया है तो हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंसेस हो गया। वही है जैसे वेजेस को हमने डेबिट किया था, यहाँ पर सेम रेंट को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो 3,000 रुपये से रेंट को डेबिट कर दिया। इसके बाद में कैश हमारे पास से जाएगा तो उस कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया टू लगा के, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं अब अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या है कि प्रोप्राइटर विड्रो कैश रुपीज 35,000 फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। जो ऑनर है उसने 35,000 रुपये निकाल लिए। देखिए, उसने निकाल लिए हैं पैसे तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, राइट। जब बिजनेस के लिए लॉस हो गया तो लॉस को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो हमने डेबिट कर दिया ड्रॉइंग अकाउंट से। देखिए, ड्रॉविंग यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी प्रोडक्ट या कैश निकालता है तो हम उसे ड्रॉविंग कहते हैं। तो ड्रॉविंग को हमने क्रेडिट कर दिया 35,000 से क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद में बिजनेस से कुछ जा भी रहा है, क्या जा रहा है, कैश उसने निकाला तो ऑफकोर्स कैश ही जा रहा होगा। तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि भाई रियल अकाउंट का रूल है, जो भी बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट कर दो। और यहाँ पे हमने डेट फिल कर दी। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि रुपीज़ 10,000। 10,000 रुपीज़ में हमने फर्नीचर परचेज किया रवि से। ओके, रवि से हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारा असेट्स होती है, असेट्स है जो बिजनेस में आ रही है। बिजनेस में कोई चीज़ आती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये रियल अकाउंट का रूल है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर क्यों आया, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है, असेट्स है। यहाँ पर ही अगर फर्नीचर हमारा गुड्स होता है तो हम यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किसी अकाउंट को क्रेडिट भी करना है, भाई जाहिर सी बात है कि फर्नीचर हमने रवि से ख़रीदा है, ये ऐसा नहीं है कि हमने उसे कैश दिया है, क्योंकि यहाँ पर रवि का नाम आ रहा है तो रवि हमें देने वाला हो गया, मतलब गिवर हो गया। गिवर है तो काई से रिलेटेड हो गया, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि क्रेडिट टू द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दो। टू रवि अकाउंट करके हमने उसे क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से। ओके, यहाँ पे डेट हमने भर दी है। अब चलते हैं हमारे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पैड रुपीज़ 5,000 रुपीज़। देखिए, सैलरी पैड की गई है, 5,000 रुपये हमने सैलरी के रूप में किसी हमारे मजदूर को या फिर किसी हमारे एम्प्लॉय को दे दिया है तो बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस है तो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो क्या करना है,
सैलरी को कर दो डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हैं उसे डेबिट करते हैं, तो 5000 उसे डेबिट कर दिया। उसके बाद में कैश हमारे पास से जा रहा है, जब कोई असेट या थिंग्स हमारे पास से जाती है तो वो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये रियल अकाउंट का रूल है। तो टू कैश अकाउंट से हमने उसे क्रेडिट कर दिया 5000। ओके, ये हो गया नवंबर 27 का ट्रांजेक्शन। इसके बाद में क्या करना है, हमें एक टोटल करना है, इनका टोटल करके नीचे एक टोटल लिखना है पर्टिकुलर्स में, फिर डेबिट साइड में टोटल और क्रेडिट साइड में टोटल करना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप जनरल एंट्री से रिलेटेड आपका जो भी डाउट या क्वायरीज थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनकी भी जनरल एंट्रीज अगर उन्हें नहीं आती हो तो वो सीख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।